रक्षाबंधन का त्योहार करीब है और इंदौर शहर के कुछ ऐसे स्पेशल बच्चे हैं जो भाइयों की कलाई को सजाने के लिए राखी बनाने में व्यस्त हैं। हम बात कर रहे हैं ऐसे बच्चों की जो देख नहीं सकते, अपनी बेरंग जिंदगी को वे रंग बिरंगी राखियां बनाकर सजा रहे हैं। नेत्रहीन होने के बाद भी वे सुंदर राखियां बना रहे हैं जो इस साल बाजार में बिक्री के लिए रखी जाएंगी। दरअसल इंदौर के महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ के द्वारा हमेशा से ही वहां रहने वाले बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को लेकर काम किया जाता है। वहीं ये बच्चे खुद को आम बच्चों से कम ना समझे, इसके लिए भी संघ के द्वारा कभी इनके गरबे करवाए जाते हैं तो कभी ये बच्चे आम लोगों को मतदान के लिए जागरूक करते दिखाई देते हैं। उसी की तर्ज पर आगामी रक्षाबंधन के त्यौहार को देखते हुए बच्चों के द्वारा राखी बनाई जा रही है, जिसमें उनके साथ महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ की प्रमुख डॉली जोशी और अंजू जोगी क्राफ्ट प्रशिक्षिका के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाता है। इन्हीं के मार्गदर्शन में दृष्टिबाधित बालिकाओं के लिए हर साल सीजन और त्यौहार के अनुसार अलग अलग चीज़ों को बनाकर उनके स्टॉल लगते हैं, जिसमें कई दानदाता और अन्य लोग आते हैं। वहीं उनके द्वारा सामान खरीदने के साथ ही डोनेशन भी संघ को मिलता है, जिससे यहाँ रहने वाले बच्चों का पालन पोषण किया जाता है। वे इस बार कोरोना को देखते हुए स्टॉल के साथ ही बच्चों के द्वारा बनाई गई इन राखियों को ऑनलाइन भी बेचा जाएगा, ताकि होम डिलीवरी के माध्यम से इनकी राखी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। हर चीज को सरलता पूर्वक कैसे समझते, जैसे अभी कुंदन वर्ती कह लीजिए, आपको पूरी तरीके से करना है हर एक, मतलब जो आ गया है राखी आने वाली है, दीदी अब राखी बनाने वाली है। सर हमारे यहाँ वेरियस टाइप्स की राखियाँ बनती है, जैसे मोती की, कुंदन की अलग बनती है। तो मोती की सर जो गोले रहते हैं धागे के, हम लोग उसमें बनाते हैं। तो जो क्यूफिक्स होता है चिपकाने वाला, उससे नोक बनाते हैं। और फिर उसके बाद हमारी मैम हमें सैंपल बना के बताती हैं कि पहले ये मोती डालना है, उसके बाद ये डालना है। तो उस आधार पर हम लोग याद रख के और फिर बनाते जाते हैं। फिर वो एक माला टाइप बन जाता है, उसके बाद हम लोग काटते हैं राखी के रूप में उसको। तो यहाँ पे क्राफ्ट में तो वेरियस थिंग्स बनती हैं, जैसे कि दिवाली पे कैंडल और दिए कलर किए जाते हैं, उसके अलावा मैगजीन हैंगर, काना झूले झूले। तो उसमें बहुत अंतर होता है राखी में और उनमें। इस बार भी बहुत सारे, जैसे हर बार बनती है, उस बार इसमें इस बार थोड़ी अलग है। इस बार जो मतलब जो भाभी के चूड़ी में बांधी जाती है लटकन वाली राखी, हाँ चूड़ा राखी, उस टाइप की भी राखी बन रही है। तो ये एक वेरियस थिंग है इस प्रकार की राखी, इस बार की राखी में। हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत गर्व महसूस होता है, मीन्स अपने आप पे भी और हमारे टीचर पे भी, क्योंकि उन्होंने हमें इस लायक बनाया, हम इतना अच्छा कर पाते हैं इसलिए। मैं बच्चों को हस्तकला में पूर्ण करती हूँ। जैसे सीजनेबल त्यौहार आते हैं अपने, हाल फिलहाल में राखी आ रही है, 15 अगस्त आ रहा है, तो इस पर अभी राखी की एग्जीबिशंस बच्चियाँ अलग अलग स्कूल्स में लगाती हैं और उनको बहुत अच्छे से सेल परचेस होता है। बच्चों द्वारा बनी हुई राखियों को बहुत अच्छे से लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। हमारी संस्था में काफ़ी डोनर्स आते हैं, डोनर द्वारा यहाँ पे राखियाँ देखी जाती बनते हुए बच्चों के, बनाते हुए, तो वो बहुत ही पसंद करते हैं और यहाँ से जितने भी डोनर जुड़े हैं उनको बहुत अच्छे से उसको सेल करते हैं। विशेषता तो क्या, जो मतलब कह लीजिए जितनी सुंदर राखी बना सकते हैं अपन अपनी तरफ से, मैं मेरा प्रयास करती हूँ। खास उद्देश्य हम लोगों का ये रहता है कि पहले मुझे सभी सैंपल बनाने पड़ते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चियाँ दिव्यांग हैं, देख नहीं सकती हैं, तो पहले मुझे सैंपल तैयार करने पड़ते हैं और फिर उन सैंपलों को बच्चों को स्पर्श कराना पड़ता है, एक एक चीज़, चाहे बारीक मोती हो, वेलवेट वाला मोती हो, चिकना मोती हो और चमक वाला मोती हो, तो वो अलग ही छूने पर उनका बच्चे समझ जाते हैं कि ये अलग अलग वेराइटी के मोतीज़ हैं और उनको बहुत अच्छे से वो समझ कर सैंपल को पहले देखती हैं और फिर उसी को माला के रूप में पूरी की पूरी तैयार करती हैं राखियाँ। ये मोती की राखियाँ रहीं, उसके अलावा भी बच्चे कुंदन वर्क की राखियाँ बनाती हैं, अलग अलग कुंदन नग लगे हुए आते हैं, उनको बांधने का प्रोसेस रहता है, सिर्फ सरलतापूर्वक धागे को काट काट के वो बांध लेती है और बहुत सुंदर तरीके से पैकिंग भी करती हैं और अच्छा मतलब
परचेस होता है बच्चों के द्वारा बना हुआ है। यहाँ पे जो भी सामान तैयार किया जाता है बहुत अच्छे से परचेस होता है। वेराइटियों में जैसे 15 अगस्त पास में आ रहा है, आप देख रहे हैं 75वां 15 अगस्त का इस बार रहेगा, और तो झंडा वंदन वाला जो मोती रहता है जिसमें अपने तीनों रंग रहते हैं, उस तरीके रंगों का समावेश करे हुए मोती हम लोग लेके आए हैं, और उसमें अलग अलग वेराइटी में फ्लावर्स भी लेके आए हैं उसी कलर के, और उस तरीके की राखियाँ बन रही हैं। वो कुंदन वर्ग की राखियाँ बनती हैं, नॉर्मल चमक वाली मोतियों की भी राखियाँ बनती हैं। इस एक्चुअली ये जो राखियों की ट्रेनिंग हमारे बच्चे लेते हैं, ये आज से नहीं, ये लगातार 20-25 सालों से हमारी संस्था में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। सिवाय राखी के हम लोग इन्हें हैंडीक्राफ्ट में जितने भी आइटम्स होते हैं, कैंडल्स होती हैं, आपके सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, आपके दिया होते हैं, फिर बहुत सारे स्टेच्यूज़ होते हैं, मैक्रम वर्क होता है, सारी ट्रेनिंग्स हमारे बच्चे यहाँ जो अंजू हैं क्राफ्ट टीचर उनसे सीखते हैं, और हमें इंदौर के बड़े बड़े प्रतिष्ठित स्कूल हैं, बैंक्स हैं, कॉलेजेस हैं, वहाँ पर इन स्टॉल लगाने का मौका मिलता है। सामाजिक न्याय विभाग की तरफ से भी कई कार्निवाल्स और मेले आयोजित किए जाते हैं, वहाँ भी हमारे बच्चे ये प्रदर्शन करते हैं, और एवरी ईयर हमारे बच्चे लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए का इनकम भी कमाते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है, और वो हमें इन्हीं के एजुकेशन और इन्हीं के डेवलपमेंट में वो पैसा हम लगाते हैं। जी हाँ, एक्चुअली मिनिमम हमारी जो राखी का कॉस्ट होता है वो 10 रुपये 5 रुपये से स्टार्ट होता है, जो 100, 120, 150, मतलब जो भी मटेरियल लगता है अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम उसका कॉस्ट डिसाइड करते हैं। और मुझे लगता है इंदौर के अलावा आसपास के जितने भी डोनर्स हैं, जैसे अभी पिछले दिनों हमारे वहाँ सीमेंट फैक्ट्री से उनके ऑनर आए थे मुंबई से, तो उन्होंने कुछ ऑर्डर्स दिए हैं राखी के कि आप जब बन जाए तो आप हमें ये व्हाट्सएप कीजिए, और अभी भी कल भी हमारे कुछ डोनर्स हैं वो आए थे और उन्होंने राखियाँ परचेस की। तो मेरे ख्याल से हमारे मध्य प्रदेश में काफ़ी कुछ लोग परिचित हैं कि यहाँ राखियाँ बनती हैं, और अच्छा सेंटर है जहाँ हैंडीक्राफ्ट काम किया जाता है। तो एक्चुअली कोरोना का जो पैंडेमिक चल रहा है उसके कारण इस बार हम कई जगह पर जो फेयर्स वगैरह लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं, वो लगा नहीं पा रहे हैं, बट हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप सोशल मीडिया, और आप जैसे जो हमारे साथी हैं जो हमारे कॉल पर या हमारे स्टेटस को देख कर हमसे कॉन्टेक्ट किया, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। तो आप हमें अवसर दे रहे हैं कि बहुत सारे लोग यहीं से हमारे सेंटर से ही राखियाँ परचेस करें। तो मेरे ख्याल से कल और 2-3 दिन में 3-4 हज़ार रुपये का हमारा सेल आउट हुआ है, और हमें ऐसा लगता है जितना कॉस्ट हमने बच्चों के लिए मटेरियल खरीदने में लगाया उतना कॉस्ट हम डेफिनेटली कवर कर लेंगे। महेश दृष्टिहीन कल्याण संघ द्वारा ना सिर्फ बच्चों को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है बल्कि उनकी आंखों की कमजोरी को दूर कर नई दिशा दी जा रही है ताकि भविष्य में वो अपने सपनों को साकार कर सके। इंदौर से जितेंद्र चौहान की रिपोर्ट।